सीहोर जिले के नरसुलागंज थाने के अंतर्गत ग्राम लाड़कुई में एक पुलिस चौकी स्थित है। यहां पुलिस चौकी के सामने एक ग्रामीण भेड़ बकरियों के वाहनों से एंट्री की अवैध वसूली कर रहा है। इस पूरी अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरा मामला थाना नरसुलागंज के लाड़कुई चौकी का है, जहाँ ग्राम लाड़कुई निवासी दिनेश पिता शिव नारायण नाई, जो की अपनी हेयर सैलून का काम करता था लेकिन दुकान को पूरी तरह बंद कर रोज पुलिस चौकी के सामने भेड़ बकरी व मवेशियों के ट्रकों व मेटाडोर को रोककर अवैध वसूली करता नजर आ रहा है। जहाँ पुलिस अफसरों की नाक के नीचे ग्रामीण खुलेआम अवैध वसूली कर रहा है, जिसके वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकारियों ने इस पूरे मामले में कोई संज्ञान नहीं लिया, जिससे पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में आ रही है। के सामने आशासकीय युवक द्वारा भेड़ बकरियों से लगे ट्रकों से अवैध वसूली का एक वीडियो वायरल हुआ है सर, इसमें पुलिस द्वारा कुछ संज्ञान लिया जाएगा सर? जी हाँ, ये वीडियो अभी सोशल मीडिया पर आप लोग को जैसा बताया ये जारी हुई है, तो ये वीडियो को पुलिस अधीक्षक सीहोर के द्वारा SDOP नसुल्लागंज को भेजा गया है और इसकी टेक्निकल और उसके सत्यता की जांच करेंगे, और यदि इसमें कोई भी पुलिस का कर्मी या अन्य कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ़ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।